गाइस तुम लोग आवाज सुन सकते हो गाड़ी की। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एक्चुअली मैं ये व्लॉग दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एंगल चेक नहीं किया था अपनी गाड़ी का और एंगल काफ़ी डाउन आ गया था। लिटरली ये सामने वाला रोड नहीं दिख रहा था, सिर्फ गाड़ी तक दिख रहा था। तो मैं यस फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बिलासपुर के लिए। फ्राइडे को मैं घर आ गया था, फ्राइडे नहीं सैटरडे को मैं घर आ गया था। और जो मैंने फ्राइडे को व्लॉग शूट किया था उसको मैंने दो पार्ट में डाल दिया था, सैटरडे को और आज संडे को, क्योंकि फ्राइडे का व्लॉग ऑलमोस्ट 20-22 मिनट का हो गया था। तो मैं सोचा 20-22 मिनट का व्लॉग डालने से अच्छा है कि दो पार्ट में उसको डाल दूँ, एक दिन मेरे को रेस्ट भी मिल जाएगा थोड़ा सा घर में, वैसे भी उतना कुछ रहता नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। सो यस, वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर और आज संडे। तो बिलासपुर जाने का आज एक रीज़न ये है कि बिलासपुर के बाद हम लोगों को सरगाँव निकलना है 2-2.5 बजे के आसपास, क्योंकि एक हमारे भैया उनको बेबी हुआ, तो बस छुट्टी हुआ सन्मत हुए तो बस उसके लिए जाएंगे। और आज हमारे हाथों में है USD रोडस्टर, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो यस, ये बाइक सेल पे थी तो इसको मैं ले आया था एक लड़के को दिखाने के लिए, प्रवीण बाबू के फिर जाया दिखा दो, तो बस उसको दिखाने के लिए लाया हुआ था मैं। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं, अभी तो देख लिया बाइक को। बाकी अगर इस बाइक की बात करें तो भाई बहुत सही बाइक है, जहाँ आप क्लच छोड़ो ऐसा भागती है बाइक ना। और अगर हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों एक साथ बात करें तो इसके जो प्रोज है वही इसके कॉन्स है, क्योंकि बाइक में बहुत पावर है और ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा हीट करती है, ज़्यादा हीट करती है तो फिर सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर आपको रेडिएटर थोड़े थोड़े टाइम में चालू हो जाता है। और ब्रेकिंग बहुत सही है गाड़ी की। और अगर बात करें दूसरे प्रो की तो बहुत इजी टू लाइक कंफर्टेबल है, राइड करना बहुत इजी एकदम। इसका हैंडल पोस्चर ऐसा है कि ना आपके बैक में पेन आएगा ना आपके नेक में, कहीं भी पेन नहीं आता। और इसी से इसका एक और कॉन निकलता है कि आप कई जगह में इसको मतलब जैसे स्पोर्ट्स बाइक का आपको कहीं से भी कट निकाल के ऐसे निकल जाते हो ना, वैसा नहीं कर पाते। वही एक हैंडलिंग के वजह से उसका हैंडल थोड़ा ये रेज जाता है तो आप एकदम से कट नहीं मार सकते। और बाकी क्या, बाकी तो गाड़ी एक नंबर है, कंफर्टेबल है, पावरफुल है। और माइलेज का भी नहीं पता, माइलेज जो मैंने उतना चेक नहीं किया है, बाकी अभी 2 पॉइंट पे है, हमने कल पेट्रोल डलाया था, चल ही रही है और ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया, बहुत सही है। बस वही है कि थोड़ा हीट ज़्यादा होती है क्योंकि इंजन में बहुत पावर है और डबल साइलेंसर है भाई, पीछे से क्या दिखती है गाड़ी, मैं आपको थोड़े देर में इसको सिनेमैटिक्स निकाल के दिखा दूंगा। अगर इस बाइक का मैं सीरियसली आपको नीड बताऊँ ना तो आप क्रूज करने के लिए बहुत सही बाइक है। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं और डेली वर्क करते हैं तो भी बहुत सही है। स्पोर्ट्स बाइक में ऐसा क्या होता है कि आप ज़्यादा सिटी में नहीं चला सकते या कुछ, इसको आप कहीं भी चला सकते हो। लॉन्ग टूर में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि भाई देखो ना ईजी एकदम हैंडल पोजिशन सब चीज़ सही है, लेकिन पर्सनली मेरे को स्पोर्ट्स बाइक चलाने में ज़्यादा मजा आता है, कोई किसी को बताना मत। बाकी मैं बहुत दिनों बाद ऐसे राइडिंग जैकेट पहन के लिटरली हेलमेट एंड माउंट वाउंट लगा के निकले, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। जब मेरी पुरानी बाइक थी KTM RC तब जो फील आता था ना भाई, वही वाला फील बहुत दिनों बाद मेरे को मिला है, ऐसा लग रहा है मैं जिंदा हूँ भाई, उतने दिन से मर गया था। क्योंकि भाई बाइक चलाने से ज़्यादा खुशी मेरे को और कभी नहीं मिलती, लिटरली बता रहे जो बाइक खुशी देती है ना अलग ही भाई, अलग ही। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कभी तो मेरा बाइक आए, देर से वेट जैसा भी हो और आराम से निकल जाओ भैया। तो बाकी अगर हम इस गाड़ी की बात करें लुक वाइज तो भाई इसका ये कलर जो है ना, ये वाला ब्लू वाला बहुत सेक्सी लग रहा है। और दूसरा आप इसका सामने का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, काफ़ी सही लग रहा है एकदम। स्पीड टाइम
ऑडो गियर इंडिकेशन सब चीज़ है एकदम मस्त है गाइस। तुम लोग आवाज़ सुन सकते हो गाड़ी की, मतलब बहुत टाइम से इसका फैन चल रहा है रेडिएटर वाला, कम ही नहीं हो रहा है भाई, कितना हीट हो रहा है गाड़ी। गर्मी के दिन में तो हालत ख़राब कर देगा ये, अलग से साइड साइड से जब ये हीट फेंकता है ना तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पैर में डायरेक्ट वो हवा पड़ता है और ये आवाज़ बहुत अनोइंग रहता है यार ये रेडिएटर वाला। KTM RC में भी था लेकिन RC में इतना नहीं था, और बाकी KTM में तो रहता है ये रेडिएटर वाला, मतलब बहुत हीट होती है KTM की गाड़ी भी। 390 भी बहुत हीटिंग इशू है यार, साइड जाने दो। तो गाइस वैसे अभी हम लोग अपने घर पहुंच रहे हैं, फिर देखते हैं यही गाड़ी को निकाल के वहां जाएंगे कि स्कूटी को, यही गाड़ी सोच रहा था मैं। देखो ना अभी तक फैन ऑफ ही नहीं हुआ है भाई, कितना चलेगा ये फैन। अरे यार रुक जा। ओ फाइनली गाइस अभी रुका, कसम से भाई कितने लेट में, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट चला होगा इसका फैन, 4-5 मिनट तो तीन तो बोल तीन तो हो ही सकता है। तो वैसे कुछ दिख रही है ये बाइक, किसी ने अगर देखा नहीं होगा तो, पीछे से तो एक नंबर दिखती है भाई, डुअल साइलेंसर, और गाड़ी में ये साथ में बार एंड मिरर्स भी मिलते हैं, ये सब चीज़ें एक्सेसरीज में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है। तो चलो अभी चलते हैं घर, थोड़ी देर में फिर निकलना है। तो गाइस अभी जस्ट मैं रेडी हो गया हूँ, देखो ऐसा कुछ रेडी हुआ हूँ, जल्दी से मेरे को निकलना है, 2:15 हो ही गया, भैया का फोन आ चुका है, जल्दी से निकलते हैं, SD को लेके निकल रहे हैं अभी और फिर मिलते हैं उधर। तो गाइस भैया का बेबी बॉय हुआ है तो हम लोग उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए आए हैं, होप सो उसको पसंद है, हालांकि अभी बहुत छोटा है। तो गाइस हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी इसलिए हम लोग बिट्टू दा ढाबा रुके हुए हैं। तो गाइस यहाँ का सलोनी चाट बहुत फेमस है और आप कभी भी अगर आओ तो ज़रूर ट्राई करना। गाइस ये हम लोगों को छट्टी में नाश्ता मिला हुआ है, आप भी खाओगे? तो गाइस ये बच्चे लोग पूरा डीजे बजने का वेट कर रहे हैं, लाइट बंद हो गई इस वजह से डीजे नहीं बज रहे, अब सो इन लोग के लिए बज जाए और इन लोग एंजॉय कर ले आराम से। तो गाइस इन लोग का डीजे आराम से स्टार्ट हो गया है और इन लोग को देख लो तो भाई गाइज हम लोग बिलासपुर के लिए वापस निकल गए, अभी भूख लग रही है, आगे में कहीं बस रुकेंगे वहाँ कुछ खा लेंगे, पार्टी में तो कुछ खाया नहीं, लेट हो रहा था इस वजह से। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए CG10 ढाबा। तो गाइस हम लोग का भी खाना पीना हो गया और अभी चलते हैं वापस घर।